नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सबसे शक्तिशाली जो राशि है, शक्तिशाली लगन है, जिसमें पूर्व जन्म के शुभ कर्मों की वजह से लोग जन्म लेते हैं और जिसकी संख्या और राशियों के अपेक्षा कम है, जो सत्ता प्राप्ति के लिए ही जन्म लेते हैं, ऐसी राशि सिंह राशि और सिंह लगन। आपके लग्नेश सूर्य नारायण लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं 15 जून से लेके 15 जुलाई तक। 15 जून को गुरुवार के दिन शाम को 18:29 पे ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो एक माह का जो गोचरी स्थिति है, क्या शुभ परिणाम देगा, आपके लग्नेश हैं इसलिए आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सिंह की सिंहता लेके चलते हो महाराज, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बड़प्पन तो यही कहता है। शेष अगर आपको लगता है कि सिंह की सिंहता नहीं है तो मत करिए। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो सूर्य नारायण जगत आत्मा है और आपके शरीर में आपके लग्नेश हैं और आत्मा है और गोचर कर रहे हैं लाभ के घर में, तो डेफिनेटली मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा। क्या होगा? लाभ मिलेगा, हर तरह से लाभ मिलेगा। सूर्य नारायण स्टार्टिंग में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मृगशिरा में 8 जून से ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ये प्रवेश करेंगे 15 तारीख को तो ज़्यादा लाभ देंगे, क्योंकि लाभ के घर में है। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि मंगल महाराज थोड़े बंधे हुए हैं अश्लेषा में। कहाँ पे? अश्लेषा में। इसलिए ये लाभ उतना गतिमान नहीं हो रहा, उतना तेज़ी से आपको मिलेगा नहीं। देखो, आप जाके किसी के यहाँ बैठे हैं, उसने आपको आश्वासन दिया, सर आइए आपको मैं काम कराऊंगा, अचानक उसको पुलिस पकड़ ले जाए, क्या होगा? लाभ आपको पूरा नहीं होगा। बस वैसी ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो मंगल 1 जुलाई तक अश्लेषा में है, उसके बाद चले जाएंगे मघा में, वहाँ से चीज़ें आपके अनुकूल आना शुरू होंगी। फिर भी देखो, आपके लग्नेश मतलब प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है भाई। मोदी जी चाहे वो गुजरात में जाएँ, यूपी में जाएं, तब भी भव्य स्वागत होगा। धुर विरोधी ममता बनर्जी के क्षेत्र में जाएं, तब भी ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल के तहत उनसे आके मिलना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश है, प्रधानमंत्री है आपके कुंडली का, और वो जा रहा है लाभ के घर में। तो लाभ तो बनता बनता है, लाभ का स्वामी भी कर्माभाव में है, इसलिए भी लाभ बनेगा। मृगशिरा में डेफिनेटली लाभ देंगे, उसके बाद आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र जो है ना, आर्द्र कर देने का है, आर्द्रा नक्षत्र गीला कर देने का है, और आपके राहु महाराज प्रेजेंट टाइम में नवम भाव में बैठे हुए हैं, शनि महाराज राहु के सतदिशा नक्षत्र में है, इसलिए जो आर्द्रा है ना, थोड़ा संभलना है। बड़प्पन है, हेल्प करने का नेचर है, किसी की भी आप हेल्प कर देते हैं, किसी को वचन दे देते हैं, तो प्रेम में पढ़कर वचन मत दीजिएगा, क्रोध में निर्णय मत लीजिएगा, क्रोध में रिश्ता मत तोड़ने की बात करिएगा, डिसीजन मत लीजिएगा क्रोध में, और प्रेम में वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों निर्णय गलत होते हैं। आर्द्रा कुछ चीज़ों को बांधता है, आर्द्रा कुछ चीज़ों को खींचता है। सूर्य नारायण आर्द्रा में कभी भी जाएंगे तो आपके मान सम्मान पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, दबाव तो बनेगा, सेहत पर दबाव बनेगा। आर्द्रा में आप कितने भी शक्तिमान हैं ना, वो एक दलदल जमीन है जहाँ जाके आप फंस जाते हैं, आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें खो जाती हैं। आर्द्रा को देखें तो आदि शक्ति जगदम्बा माता सती ने आर्द्रा में ही अपने आप को समाप्त कर लिया, आत्मदाह कर लिया। शिव जी यहाँ पे थोड़े से किंग करते, हालांकि शिव जी हैं, वो परमात्मा हैं, उनके लिए नथिंग है दोस्त, उनके लिए किसी का आना जाना, वो तो लीला कर रहे हैं। क्या लीला? इसलिए लीला में उन्होंने बताया कि भाई मैं भी दुखी होता हूँ तो तुम लोग भी दुखी हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर लेकिन होता क्या है, इसका प्रतिकार क्या होता है? तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। फिर भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट होता है और समस्त परेशानियों को डिस्कनेक्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसका नाम है वीरभद्र। तो वीरभद्र की एनर्जी क्रिएट करने वाला ये नक्षत्र है, लेकिन एनर्जी क्रिएट करने के पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखो, कुंदन बनना है तो जलना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, तो थोड़ा संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आर्द्रा में ध्यान क्या देना है, अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना है। आर्द्रा कुछ दोस्तों के संगत में पड़ के ना, फालतू चीज़ें मतलब स्मोकिंग करना, नशा करना, नशा नाश की जड़ है, मत करिए, खराब चीज़ है, तो इन चीज़ों से बचिएगा। किसी को पैसे इस समय मत दीजिएगा,
वादा मत करिएगा, प्रेम में पढ़ के कोई वचन मत दे दीजिएगा, नहीं वो वचन आपके लिए भारी पड़ेगा। 6 जुलाई को ये पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है और गुरु अभी भरणी नक्षत्र में है, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो 22 जून से 6 जुलाई तक आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, उसके बाद समय आपके लिए लाभकारी है, यात्रा बनती है, यात्रा आप करेंगे, यात्रा में सावधानी रखिएगा, फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बन रहा है। शेष मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।